हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में। यहाँ मिलती है आपको सरकारी एग्जाम से जुड़ी सारी जानकारी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले डीआरडीओ एमटीए 2020 के लिए पहला क्यूज, और जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन क्लियर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आप डीआरडीओ एमटीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। और उसके साथ फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके आउट ऑफ 25 कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। और चार ऑप्शन है आपके पास, जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकुरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेनरी बेकुरल, और इन्हें फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। चार ऑप्शन है फ्रेंड्स, और राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर, और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, अभी जो वर्तमान में है वो है के एन व्यास, ये भी आपको याद रखना है, ये उनका पिक है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई बराबर एमसी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था। तो वो थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। और आपको बता दें, ई से होता है एनर्जी, एम से होता है मास, सी से होता है स्पीड ऑफ लाइट, ये भी आपको याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है कि ई बराबर एमसी स्क्वायर में ई किसे सुनिश्चित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइंस्टीन ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है। यह है बेंगलोर में, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, वो 15 अगस्त 1969 में हुई थी, और पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था वो था आर्यभट्ट, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, किस ईस्वी में मिला फ्रेंड्स। चार ऑप्शन है, 1933, 1930, 1830, 1998। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1930, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन है फ्रेंड्स, और राइट आंसर हो जाएगा इसका रदरफोर्ड, ठीक है। और परमाणु के नाभिक में फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्रिस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी वेंकट रमन, ऑप्शन नंबर डी हरगोविंद खुराना। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा जगदीश चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर ए। और ये यंत्र क्या करता है फ्रेंड्स, यह एक ऐसी युक्ति है जिससे आप पौधों की वृद्धि माप सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। चार ऑप्शन है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेघनाद साहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन है आपके पास, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एडवर्ड जेनर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करती है, किसने बताया था, वो हो जाएंगे गैलीलियो, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग है, तो आप इसका जवाब जरूर दीजिए फ्रेंड्स। देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो हो जाएंगे जे.जे. थॉमसन, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। तो आपको तीनों याद रखना है, न्यूट्रॉन की जे.जे. जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन का जे.जे. थॉमसन, और प्रोटॉन का रदरफोर्ड, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा फ्रेंड्स। अगला है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। चार ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर हो जाएगा जॉन डॉल्टन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना है। चार ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, यानी ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर डी। और 2019 का जो थीम था वो था लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग, ये भी आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेनरी केवेंडिस। ठीक है, यानी आप इसको सिंपली देख सकते हैं, हाइड्रोजन की खोज हेनरी केवेंडिस ने की थी। अगला प्रश्न, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की थी? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एग्जाम में रिपीटेड है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू सी रॉन्टजन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बात करें गामा रे, तो उसका खोज जो किए थे वो थे पॉल विलार्ड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? सबसे पहले जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था फ्रेंड्स? चार ऑप्शन है आपके पास, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैलीलियो। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है, गति के नियम जिसे जड़त्व, गति का जड़त्व नियम भी कहते हैं, उसको किसने प्रतिपादित किया था फ्रेंड्स? तो ये हो जाएंगे न्यूटन। ठीक है, अगला है, भारत का बैट्समैन किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास, और राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन है, और राइट आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना, यानी ऑप्शन नंबर डी। और फ्रेंड्स ये आज का लास्ट क्वेश्चंस है, और इससे पहले आपको बता दे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या आप डीआरडीओ एमटीएस के प्लेलिस्ट में जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैलीलियो ने, यानी ऑप्शन नंबर डी। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसी प्रकार के आप क्यूज पाना चाहते हैं तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।